चंबा में डिग्री कॉलेज के छात्राओं ने कोल्हड़ी रोड पर निगम की बस न चलने पर चंबा के बस अड्डे के समीप निगम की बस के आगे खड़े होकर अपनी मांग रखी और जमकर नारेबाजी की। इन छात्रों का इस बात को लेकर रोष है कि पहले कोल्हड़ी रोड पर निगम की दो बसें चला करती थी, पर आज के समय में एक बस को बंद कर दिया गया है। इससे उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं विद्यार्थियों का कहना है कि एक बस बंद होने के कारण अब ऐसे हालात पैदा हो चुके हैं कि बस में सवारियों को बैठने तक जगह नहीं होती है और आधे से ज्यादा लोग तो खिड़कियों से लटके होते हैं। उज्जवल हिमाचल के लिए चंबा से शैलेश शर्मा की रिपोर्ट। सर, मेरा नाम शबनम है, मैं कोल्हड़ी से हूँ और मैं यहाँ पे पीजी कॉलेज में थर्ड ईयर की छात्रा हूँ। तो हमारी प्रॉब्लम ये है कि हमारी कोल्हड़ी रूट पे पहले दो बसें जाती थी और कल से उन्होंने एक बस भेजना स्टार्ट कर दी है और सुबह हमारी बस ओवरलोड होके आई और आधे से ज्यादा सवारियां बाहर लटकी हुई थी। और हमारी हम अड्डा प्रशासन के पास गए तो पहले बोलते आरएम के पास जाओ, आरएम के पास जाना तो बोलते अड्डा इंचार्ज के पास जाओ। 70-80 प्लस तो हमारे पास है सर, और बाकी लोकल सवारियां आप देख लो। और इसके बाद हमने ही नहीं बोला कि हमें एक बस भेज दो, तो बोलते 6 बजे तक यहाँ पे वेट करो। फॉरेस्ट एरिया है सर, 19-21 बात हो सकती है, भालू वगैरह होते हैं अभी। और हमारी ज़्यादा कोई मांग नहीं है, एक हम कागज ले लेंगे, एक पेन ले लेंगे, साइन ले लेंगे कि 19-21 बात होती तो वो जिम्मेदारी फिर अड्डा प्रशासन ले। नहीं जाती है, 4 दिन जाएंगे, 8 दिन बंद पड़ेगी। हमारे साथ गलती से ना।